अमृतसर का एसपी सर्विस स्टार्ट होगा एक्चुअली सर आज के कार्यक्रम में उपस्थित असम के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्वानंद सोनोवाल जी, नेडा के संयोजक और असम के वित्त मंत्री श्रीमंत हेमंत विश्व शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह जी, देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अरुणाचल के भाई प्रेमा खांडू जी, नागालैंड के श्रीमान रियो जी, मेघालय के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री संगमा जी, त्रिपुरा के अभी अभी प्रचंड बहुमत के साथ जो चुन कर आए हैं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी, श्रीमान किरण रिज्जू, श्री राजन गुहाई जी, श्री पीजी राय जी, सभी प्रदेशों के उपस्थित उप मुख्यमंत्रीगण, आईपीएफटी के अध्यक्ष श्री एनसी देवर्मा जी, एजीपी के अध्यक्ष श्रीमान अतुल वोरा जी, श्री हंग्रामा मोहल्यार जी, श्री परमानंद जी, श्री खगेन जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी राज्य सरकारों के सम्माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और नेडा परिषद के सभी सदस्यों, आज नेडा की ये तीसरी बृहद बैठक है और मुझे कहने में आनंद है कि आज तीसरी बार जब हम लोग मिल रहे हैं तो नेडा जिस उद्देश्य के साथ नेडा की स्थापना की थी वो उद्देश्य को हासिल करने में हम बहुत आगे निकल चुके हैं और एक सफल प्रवास हमारा 2 साल का हुआ। जब 2016 में नेडा का गठन हुआ उसी दिन असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ हुआ था और असम चुनाव में जब मैं असम के अंदर दौरा करता था तब नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कार्यकर्ता यहां पर प्रचार के लिए आए हुए थे, कहीं ना कहीं मिलते थे, उनके साथ चर्चा होती थी, बातें होती थी और दिखता था कि सब लोग अपने अपने राज्य की सोच रहे हैं। और उसी वक्त एक विचार आया था कि समग्र नॉर्थ ईस्ट को अगर भारत के साथ एकात्मता का अनुभव कराना है तो एक ऐसा फोरम बनाना होगा जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर सके, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक संगठन का काम कर सके। और उसी में से नेडा का जन्म हुआ था। मित्रों, जब देश में आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें चली, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की रचना हुई, कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को बहुमत जुटाने का एक साधन पाया। केंद्र में सरकार चाहिए तो एमपी चाहिए, यहां पर चीफ मिनिस्टर चाहिए, इतने सीमित आशय के लिए कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम किया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो अटल जी की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नॉर्थ ईस्ट के अधिकार को एक्नोलेज करने का काम किया है। जितना अधिकार देश के बाकी राज्यों का है
उससे भी ज्यादा अधिकार भारत के संसाधनों पर नॉर्थ ईस्ट का है, ये भारतीय जनता पार्टी तत्वतः मानती है। और इसीलिए नेडा की स्थापना के वक्त हमने तय किया था कि नेडा कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनेगा। पॉलिटिकल अलायंस तो होगा ही, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं, मगर पॉलिटिकल अलायंस होने के साथ साथ ये सिर्फ रीजनल अलायंस भी नहीं बनेगा, भौगोलिक अलायंस भी नहीं बनेगा, भौगोलिक गठबंधन भी होगा, क्योंकि एक भूगोल के आधार पर एक गठबंधन का विचार किया गया है, जियोग्राफी के आधार पर एक गठबंधन का विचार किया है, मगर हम इसको जियो कल्चर गठबंधन बनाएंगे, भू सांस्कृतिक गठबंधन बनाएंगे और नॉर्थ ईस्ट की सभी संस्कृतियों का एक जुट करने का एक गठबंधन बनाएंगे। और इसीलिए नेडा की स्थापना की थी। नॉर्थ ईस्ट, मैं मानता हूं हिंदुस्तान के लिए, मोदी जी हमेशा कहते हैं अष्टलक्ष्मी, 5 करोड़ की जनसंख्या, 4% जनसंख्या और 8% भूभाग, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों की सीमाओं का एक बार नक्शे पे रख कर देख ले तो बांग्लादेश, नेपाल, चीन, बर्मा और भूटान, ये 5 देशों की भूभाग नॉर्थ ईस्ट से छूता है। और स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार की अलग अलग संस्कृतियां, बोलियां, जनजातियां यहां पर बसती है। लगभग 217 जनजातियां यहां पर रहती है मित्रों, और मैं मानता हूं कि 217 की 17 जनजातियों को नॉर्थ ईस्ट अलायंस ने रिप्रेजेंट करना चाहिए। और इसीलिए नेडा की स्थापना हमने की थी। और मुझे आनंद है कि नेडा का व्याप 8 राज्यों में है, 8 राज्यों में से 7 राज्यों में नेडा के सदस्य और उसके मुख्यमंत्री आज इस मंच पर दिखाई दे। बहुत कम समय के अंदर हमने उपलब्धियों को हासिल किया है। गत बैठक में जब हम दिल्ली में मिले, इसके बाद नागालैंड जीते, इसके बाद मेघालय जीते और त्रिपुरा के अंदर 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेडा की सरकार चल रही है। ये 3 नए राज्य हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री पहले यहां पर सदस्य नाते बैठते थे, आज मुख्यमंत्री नाते बैठते हैं। मैं नेडा के सभी सदस्यों की ओर से तीनों मुख्यमंत्रियों को बधाई भी देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। मित्रों, नेडा की स्थापना करी इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के शासन से बदनामी झेलनी पड़ी थी। पूर्वोत्तर का विकास, पूर्वोत्तर की समृद्ध संस्कृति, पूर्वोत्तर का भौगोलिक महत्व, ये सारी चीजें धरी की धरी रहेगी। मैं नहीं मानता कि देश में किसी भी क्षेत्र में इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज होगी। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में गया हूं, रात्रि निवास भी किया है। यहां की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, न केवल हिंदुस्तान, दुनिया भर के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर इतनी समृद्ध संस्कृति नॉर्थ ईस्ट जितनी कहीं नहीं दिखाई। इतनी विविधता, इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, इतने अलग अलग रिवाज, रस्में, अलग अलग जनजातियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नेडा के तत्वाधान के अंदर ही ये पूर्वोत्तर को संकीर्णतावाद से हम दूर करेंगे।
पूरा हिंदुस्तान पूर्वोत्तर की चिंता करेगा, नॉर्थ ईस्ट की चिंता करेगा, और पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने आप को हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा मानेगा, तभी जाकर नेडा सफल हो सकता है। अलगाववाद जब इतनी विविधताओं के साथ इतने छोटे से क्षेत्र के अंदर लोग जीते हैं, और जब कोई भेद करने का प्रयास करता है तो अलगाववाद स्वाभाविक रूप से सरफेस पर आता है। मगर नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलगाववाद से मुक्त करने की दिशा में सफल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने अपने सीमित विचार करने की जगह एक रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर समग्र क्षेत्र का कैसे विकास हो सकता है, मेरे राज्य का तो विकास हो ही, परंतु साथ में साथ पूरे क्षेत्र का कैसे विकास होता है इसकी बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब मालूम पड़ता है कि नेडा अपने काम में सफल हुआ। पहले सीमाओं के लिए झगड़े होते थे, आज बोडोलैंड के अध्यक्ष ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने कहा कि नागालैंड की और इसकी सीमा का विवाद सुलझना चाहिए। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्टाचार के लिए बदनाम किया जाता था, बदनाम क्या किया जाता था, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें। धीरे 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 नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बढ़ी, आज नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र ब्रीफकेस पॉलिटिक्स से आगे जाकर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ रहा है। जो संसाधन जा रहे हैं केंद्र से उसका सटीक उपयोग हो रहा है, गरीब व्यक्ति के हाथ में जा रहे हैं, और ये विकास का जो एक नया दृष्टिकोण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मैं मानता हूं कि अगले एक दशक दो दशक के बाद नॉर्थ ईस्ट राष्ट्रीय विकास दर के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनने वाला है, उसमें मेरे मन में कोई दो राय नहीं। देश के विकास के अंदर नॉर्थ ईस्ट की हिस्सेदारी अपने भूभाग और अपनी जनसंख्या से कई गुना ज्यादा होने वाली है, और पहले था, आजादी के पहले आसाम का जीडीपी देश में सबसे हाईएस्ट था। मैं आसाम कहता हूं तो उस वक्त सारा नॉर्थ ईस्ट आसाम के अंदर आता था। क्या हुआ, क्यों इतने पिछड़ गए? एक ही काम हुआ, 50 साल तक 60 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही और नॉर्थ ईस्ट पिछड़ गया। अब नॉर्थ ईस्ट की जनता ने उचित ही निर्णय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की धुरा सौंपी है। मुझे भरोसा है फिर से एक बार पूर्व आजादी के जो स्थिति थी, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट नॉर्थ ईस्ट का था, आज भी मुझे भरोसा है सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है। अभी अभी हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी ने मुझे चिट्ठी पकड़ाई कि मैं बोलना भूल गया हूं, अमित भाई आप बोलिए। सिर्फ अरुणाचल में स्टेट ओन फंड, स्टेट की रेवेन्यू 900 करोड़ से बढ़ाकर 1600 करोड़ तक ले जाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफलता। यह उदाहरण है मित्रों कि मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर अगर कोई काम करता है तो किस प्रकार से ये काम हो सकता है। मित्रों, मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस ने बहुत बड़ी मजल अभी काटना बाकी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रश्नों को समझकर, चाहे वो सीमाओं के हो, दो राज्यों की सीमाओं के हो, अलगाववाद के हो, आतंकवाद के हो, इस सारे प्रश्नों को समझकर धीरे 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 नॉर्थ ईस्ट को शांति की दिशा में आगे बढ़ा है। या इतने सारे जर्नलिस्ट उपस्थित है, इतने सारे पॉलिटिकल क्षेत्र के हु सब है, मैं सबको कहना चाहता हूं कि 2001 के नॉर्थ ईस्ट को आंख बंद कर याद करिए।
कितने धमाके होते थे, कितनी गोलियां चलती थी, कितने लोग मरते थे। चार साल हुआ नरेंद्र मोदी सरकार को, आज के नॉर्थ ईस्ट को 365 दिन का अखबार उठाकर देख लीजिए, शायद ही कभी कभार कोई घटना आपके सामने आएगी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसमें नेडा का बहुत बड़ा योगदान। सब लोगों को साथ में कर एक ऐसा मंच बनाया गया जहां अपनी समस्याओं की बात भी कर सके खुलेपन से और इसके समाधान के रास्ते भी लो। और इसीलिए लगभग 5000 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसकी है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट को हमने सुरक्षित करने का काम, सलामत करने का काम एक हद तक सफलता के साथ किया है। बांग्लादेश की गुटपेट, शस्त्रों के तस्करी, म्यांमार के उग्रवादी गुटों के साथ मुठभेड़, ये सारी चीजों को हमने नीचे ले जाने में बहुत बड़ी सफलता ली। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विहीन शासन कैसे हो, वो हमारी नॉर्थ ईस्ट की नेडा की सरकारों ने स्पष्ट। बांग्लादेश के साथ जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, मुझे भरोसा है और मैं स्पष्ट देख सकता हूं 5-10 साल के बाद बांग्लादेश के बंदरों से नॉर्थ ईस्ट में उत्पाद हुआ माल दुनिया भर में जाएगा और बांग्लादेश का पूरा बाजार नॉर्थ ईस्ट के व्यापारियों के लिए खुला होगा। तब यहां समृद्धि आजादी के पहले जैसे ही आए। क्यों समृद्ध थे आजादी के पहले? क्योंकि हमारे पास बांग्लादेश के दोनों बंदरों से माल की आवाजाही करने की व्यवस्था थी। कलकत्ता भी कट गया, उसके कारण हमारी नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से डेड एंड कर रख दिया। बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के कारण यहां के विकास को आगे ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार तीनों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने संबंध को सुधारा है और इसके कारण यहां पर शांति प्रस्तापित करने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं मानता हूं मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। ये तीनों राज्यों के साथ, तीनों देशों के साथ अपने संबंधों को मोदी सरकार ने सुधार कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति बहाल करने में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। मित्रों, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज में पूर्वोत्तर का बहुत बड़ा रोल है और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट किया ऐसा नहीं। 14th फाइनेंस कमीशन जो नरेंद्र मोदी सरकार में आया और 13th फाइनेंस कमीशन जो यूपीए सरकार में था, दोनों के बीच में केंद्रीय करों में नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्सेदारी है, सारे हमारे मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 258% का इंक्रीज केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में नरेंद्र मोदी सरकार ने 14th फाइनेंस कमीशन में किया है, जो जिसका मतलब होता है यूपीए सरकार के वक्त 87,628 करोड़ रुपया मिलता था और एनडीए सरकार के वक्त 3,13,375 करोड़ रुपया मिलता है। और इसके साथ केंद्रीय करों के अलावे जो विकास के लिए अधिक राशि देनी है उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 73% का इंक्रीज किया है। पहले 8 राज्यों को 2,53,565 करोड़ रुपया, 2,53,565 करोड़ मिलता था। 14th फाइनेंस कमीशन में 4,39,786 करोड़ मिलने की शुरुआत हुई। और मित्रों, ये पैसों की राशि बढ़ी इतना नहीं है। मैं जानता हूं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को कहां कहां संपत्ति लिए बैठे, सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के असम की गुवाहाटी में बंगले होंगे,
तब तक तो ठीक है, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां संपत्ति नहीं बसाई। कहां से आई संपत्ति? केंद्र जो पैसा भेजता था उसमें भ्रष्टाचार करके ये संपत्ति थी आती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र 100 रुपया भेजता है, 100 की जगह अपनी पसीना बहाकर कर्कसर युक्त एडमिनिस्ट्रेशन कर 115 रुपया नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब जब कांग्रेस की सरकार रही, नॉर्थ ईस्ट को निग्लेक्ट किया। शिलोंग में अभी जब बैठक हुई एनईसी की, पहले नॉन कांग्रेसी सरकार थी मुरारजी देसाई की, तब हुई थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब 40 वर्ष के बाद पहली बार एनईसी की बैठक नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बनी। मित्रों, तब तक नॉर्थ ईस्ट के सामने देखने वाला कोई नहीं था। हर मंत्री को एक रोस्टर दिया कि आप नॉर्थ ईस्ट कब जाते हो, नॉर्थ ईस्ट जाकर वहां की जनता से कैसे संवाद करते हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर केंद्र की योजनाओं को कैसे नीचे तक परकोलेट करते हो। हर मंत्री 15 दिन में कोई ना कोई एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट के हरेक राज्य के अंदर उपलब्ध रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विजन के साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए योजनाएं बनाई गई। नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी के बगैर विकास नहीं हो सकता, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आईटी की कनेक्टिविटी हो। ये चारों कनेक्टिविटियों को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, एनईआर में 5,300 किलोमीटर के रोड को सुधारने के लिए मंजूरी दी दी है और 3,246 किलोमीटर रोड ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के आर्थिक गलियारे के लिए अलग से। मित्रों, भारत म्यांमार थाईलैंड ये राजमार्ग रोड बनाने की कनेक्टिविटी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। जब तक ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां, ये नॉर्थ ईस्ट के सारे शहर रोड से नहीं जुड़ते, हम विकास को नॉर्थ ईस्ट में नहीं ला सकते। और ये बात नरेंद्र मोदी जी भली भांति जानते हैं, इसीलिए हजारों करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए दिया है। मित्रों, गेज परिवर्तन का काम लगभग ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का काम लगभग समाप्त कर दिया गया है। अगरतला अखोरा रेल बांग्लादेश के साथ जोड़ने के लिए डॉनर मंत्रालय द्वारा इसके टेंडर भी निकल गए हैं। मित्रों, गंगटोक के अंदर हवाई अड्डा का काम पूरा हो गया है और इसी के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट को एयर कनेक्टिविटी का काम भी समाप्त हो जाता है। मित्रों, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में ब्रह्मपुत्र अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित किया गया। डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूशन बहुत हाई स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन कैंसर की नॉर्थ ईस्ट के सारे कैंसरों के मरीजों के लिए बनाने का काम हो गया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के छात्र जो देश भर में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए रेसिडेंशियल हॉस्टल्स बनाने का काम भी शुरू हुआ है। जेएनयू में 425 छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाने का काम शुरू हो चुका है। द्वारका के अंदर नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट कल्चरल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसकी स्थापना कर नॉर्थ ईस्ट के समृद्ध कल्चर को दूर दराज तक पहुंचाने की नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है। शिलोंग के अंदर आईआईएम में अब्दुल कलाम चेयर की स्थापना की गई है। मणिपुर में स्पॉट यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से
दून तक पहुंचने के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल पूरे देश में कहीं पर भी नहीं गई है। क्षेत्रीय संपर्क स्कीम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। सिक्किम को भारत का सबसे पहला जैविक कृषि वाला राज्य घोषित कर दुनिया के नक्शे पर सिक्किम को रखने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। IIIT गुवाहाटी में शुरू कर दी गई है। लगभग 5,336 करोड़ रुपया ये दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। लगभग 5,576 करोड़ की क्षमता की 16 हाइड्रो पावर योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंजूरी दी है। 3,200 किलोमीटर का भारत म्यांमार थाईलैंड रोड बनाने की भी शुरुआत हुई है। इस प्रकार से कई सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाथ में लिए। मित्रों, ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ भूपेन हजारिका ब्रिज, आज थोड़ा इंटरनेट पर ये नाम डाल दीजिए, दुनिया भर से इतने लोगों ने इसको आश्चर्यचकित होकर देखा है कि भूपेन हजारिका का नाम पूरी दुनिया के हर देश के अंदर ये ब्रिज के माध्यम से पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, राष्ट्रीय बांस मिशन, इस बात को मैं विशेष इसलिए कहना चाहता हूं कि बांस को हमारे वन अधिनियम 1955 के तहत वृक्ष का स्टेटस दिया गया, तो उसको काट नहीं सकते थे परमिशन के बिना, काटते थे तो गैरकानूनी काटते थे। अब उसको वृक्ष की जगह घास का स्टेटस देकर उसको आप सरलता से इसकी खेती कर सकते हैं, इसको आपके खेत के अंदर बोकर इसको काट सकते हैं। तो ये बांस मिशन अगर हमारी सभी सरकारें हाथ में ले लें तो मुझे लगता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी ट्राइबल भाइयों बहनों के लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होने वाला है। बांस का इतना बड़ा बाजार है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए का बांस विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं, और वो बांस तो इंपोर्ट करते ही साथ में कागज भी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर बांस उपलब्ध नहीं है। अगर बांस हो जाता है, बांस काटने की परमिशन नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दी है, इसके आधार पर पेपर मिल लगाना और बांस के सारे उपयोगों को हम यहाँ करें तो हिंदुस्तान में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारे ट्राइबल भाइयों के लिए रास्ता खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हम चाहते हैं कि उत्तर पूर्व के सभी 270 जनजातियां और 185 बोलियां और भाषा, ये सब को जोड़ा जाए। ये 270 जनजाति हमारे लिए बोझ नहीं, पहले इसको बोझ के रूप के देखा जाता था कि 270 जनजातियां जो है ट्राइब्स हैं वो बोझ है। हम मानते हैं ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी स्ट्रेंथ, अगर हम इसको एक कर दे तो भारत के सीमावर्ती प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा समृद्धि लाने का कौवत मेरे ट्राइबल भाइयों के अंदर पड़ा है। सारी ट्राइब बरसों से अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीवन जिए, आजादी के बाद कभी उनको इकट्ठा कर एक ताकत के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार नेडा के तत्वाधान में 270 ट्राइब्स है, इसको जोड़ना चाहते, 185 बोलियां हैं। मैं नहीं चाहता एक भी बोली लुप्त हो, एक भी भाषा लुप्त हो। हर बोली को, हर भाषा को नेडा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सातों सरकारों ने संरक्षण देना चाहिए। ये भाषा, ये बोलियां हमारी धरोहर है, इसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है।
और ये सभी की सभी बोलियों को, सभी की सभी भाषाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम, उनको बल देने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में नेडा के सदस्यों की सरकार ने करना चाहिए। मित्रों, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हेमंत जी ने काफी परिश्रम कर यहां पर एक अलग कार्यालय ये सब आयोजन किया है। इसके साथ नेडा युवा मंच और नेडा का महिला मंच भी हम स्थापना करना चाहते हैं, जिससे दूसरी पीढ़ी के अंदर नेडा को पहुंचाने में हमें सफलता मिले। और नेडा के माध्यम से हर साल एक नेडा की खेल प्रतियोगिता का भी हम आयोजन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैन है नॉर्थ ईस्ट में, वो ही देश को सबसे ज्यादा मेडल दिलाते हैं। और मुझे भरोसा है जब मेडलों की तालिका में भारत का नाम सबसे ऊपर होगा और भारत के अंदर जब हम इसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट उसमें सबसे ऊपर आ सके, इतनी पॉसिबिलिटी इसके अंदर पड़ी। यहाँ के लोगों के आरोग्य के लिए भी नेडा चिंता करने वाला है। मित्रों, भारत सरकार ने यहाँ के चाय बागान और बाकी सारे एरिया जहाँ आरोग्य के बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्राइमरी एजुकेशन की बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको भी आगे ले जाने का प्रयास करने का तय किया है। मित्रों, आज मुझे आनंद है कि नेडा के तीसरे बृहद बैठक के अंदर 8 में से 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं। मैं मानता हूं एक राज्य बचा है, वो चुनाव आने वाला है, उसके बाद जब बैठक करेंगे तो 8 मुख्यमंत्री यहां बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे और नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। मगर नेडा की स्थापना नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त करने के लिए नहीं की है, नेडा की स्थापना नॉर्थ ईस्ट को समृद्ध बनाने के लिए की है, नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की है, नॉर्थ ईस्ट को शांत और सलामत बनाने के लिए की है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर से विघवाद दूर कर एक नॉर्थ ईस्ट बने, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए की है। मुझे बहुत आनंद है कि आज हमारे सभी मुख्यमंत्रियों ने इसी दिशा में स्पिरिट को व्यक्त किया है। इन्होंने जो जो सुझाव रखे हैं भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था से, नेडा की व्यवस्था से, दोनों की व्यवस्था से इसको लिखने का काम किया गया है। मैं इनको भरोसा दिलाता हूं कि आपके सारे सुझावों का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दोनों लेकर नेडा को एक अगले चरण तक ले जाने का काम करेगी। फिर से एक बार उपस्थित सभी विधायकों, सांसदों, मंत्री और मुख्यमंत्री और विशेष कर हमारा ये आयोजन करने के लिए नेडा के कन्वीनर श्री हेमंत विश्व शर्मा को हृदय से बधाई देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वादे नहीं इरादे लेके आए माननीय अध्यक्ष जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। We thank you, sir, for such a thought-provoking and such an inspiring speech and for infusing a lot of positivity in all of us, which he can carry forward.